हंगरी में, ये रियल कहानी है, हंगरी में वहां पर एक ग्रेट शूटर हुए, ठीक है, और उनकी कहानी तुम लोग जैसा देखो, एक बार प्ले करना सेकंड वीडियो। कैरोली की कहानी, कैरोली टिकास, एक बार रुक, आगे आगे बढ़ा करो। रुक दो, कैरोली टिकास की कहानी यह है कि कैरोली 1938 में वर्ल्ड चैंपियन बन गया शूटर में, शूटिंग कंपटीशन में वर्ल्ड चैंपियन हंगरी से। और जब वर्ल्ड चैंपियन बन गया तो हंगरी बड़ा खुश कि भाई कम से कम ओलंपिक में हमारा एक मेडल शूटिंग में पक्का हो गया। और ये भी बहुत मेहनती, और आर्मी में वहां पर ये जॉब करते थे, लेकिन वहां आर्मी में ट्रेनिंग में क्या हुआ कि एक बम जो है वो उनके हाथ में ही फट गया, ठीक है, और बम हाथ में फट जाने से उसके बाद ये हॉस्पिटलाइज हो गए। किसी तरह से उनको बचाया गया, उनका वो हाथ जो है वो किसी काम का नहीं रहा, और इनका जो सपना था कि ओलंपिक्स में जाएं और वहां मेडल जीतें, वो सपना क्या हो गया, टूट गया। उसके बाद फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, लेकिन उसमें ये जा सके, हंगरी की टीम में इनका नाम नहीं था। और जो आर्मी में इनके कॉम्पिटिटर्स थे, जो लोग इनसे राइवल कॉम्पिटिट करते थे, वो लोग बहुत खुश हो गए कि भाई अब तो वो तो कैरोली तो रहा ही नहीं, वो तो खेल ही नहीं सकता है, अब हमारा टीम में, अब हंगरी की टीम में हम ही लोग रहेंगे। लेकिन जब वो लोग उससे मिलने गए अस्पताल में, उसको ये कहने के लिए कि भाई हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, अब तो तुम तो खेल नहीं पाओगे, तो बोला कि मैं शुभकामना देता हूँ, अगले साल जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है उसमें तुमको भी मेडल मिले और मेरे को भी मेडल मिले। बोला तुमको मेडल कैसे मिल सकता है, तो हम तो अब शूटिंग कर ही नहीं सकते हो। तो बोला नहीं, हम शूटिंग करेंगे। 1939 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ उसमें अगले साल कैरोली खेलने के लिए उतरा, लेकिन उसके पास उसका हाथ था ही नहीं, वो अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग कर रहा था। और 1939 का वर्ल्ड चैंपियनशिप कैरोली ने फिर से जीता अपने लेफ्ट हैंड से। उसके बाद 1940s का ओलंपिक था, लेकिन 1940 का ओलंपिक कैंसिल हो गया क्योंकि दुनिया उस वक्त वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रही थी। उसका जो ओलंपिक मेडल जीतने का सपना था वो क्या हो गया, टूट गया। फिर उसने तैयारी अपनी जारी रखी, हिम्मत नहीं हारा, 4 साल बाद जब दोबारा ओलंपिक्स होंगे उसके लिए तैयारी उसने फिर करी 1944, लेकिन 1944 का ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गया। आप लोग को याद होगा उस वक्त वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, ठीक है ना, तो 1944 में ओलंपिक्स नहीं हुआ। अब उसका सपना बुरी तरह से टूट गया क्योंकि उसको अब लगा कि उसको लाइफ में ओलंपिक मेडल कभी भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन कैरोली ने अपनी तैयारी जारी रखी और 1948 में जब ओलंपिक्स हुए तो वहां लंदन ओलंपिक्स में कैरोली ने भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है उसकी। 1948 के बाद 1952 में जब फिर ओलंपिक्स होते हैं 4 साल के बाद, कैरोली फिर भाग लेता है और इस बार फिर से गोल्ड मेडल जीतता है। अभी इतने सारे लोग पूरे दुनिया से कंपीट कर रहे थे, लेकिन कैरोली 1948 में, 1952 में, 8 साल के बाद और 12 साल के बाद भी गोल्ड मेडल बार बार जीत रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो अपने बेस्ट हैंड से शूटिंग कर रहे थे और कैरोली अपने ओनली हैंड से शूट कर रहा था। यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका जो स्किल था वो उसके हाथ में था या उसका विल जो दिमाग में था वो काम कर रहा था? व्हाट वाज वर्किंग?